अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाइल राशिद किचन। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल में, बकरीद स्पेशल में हम बना रहे हैं मटन फ्राई बोटी। आप बीफ की भी बना सकते हैं। इसे मैरिनेट करेंगे, छोटे छोटे से उसके पीसेस करेंगे मटन के या बीफ के। उसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करें, मीट टेंडराइजर ऐड करें 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून, और जितना तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो आपके पास है वो ऐड करना है वो ऐड कर दें, या आपके पास नहीं है तो आप चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर उसके साथ और सॉल्ट के साथ इसे मैरिनेट करें और इसको 2 घंटे के लिए आप रख दें। इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर का जाएगा। अजवाइन ज़रूर ऐड करें, 1/4 टीस्पून अजवाइन की ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें और इसको मैरिनेट कर दें। और फिर उसके बाद इसे टूथपिक्स में 3-3, 4-4 इसकी जो पीसीस हैं छोटे छोटे उन्हें आप टूथपिक्स में लगा दें। बहुत ही मज़ेदार फ्राई बोटी बनेगी। ये देखें, इस तरीके से इसे आप टूथपिक्स में लगा दें। उसके बाद आपने एक अंडा लेना है, उसे फेंट लेना है, उसके अंदर इस टूथपिक को जिसके अंदर के आपने मटन की बोटियां लगाई हुई हैं उसे डिप करना है, और एक प्लेट में आपने सीज़मी सीड्स रखने हैं। इस तरीके से देखें, ये सीज़मी सीड पहले अंडे में डिप करें, फिर ये सीज़मी सीड में आप उसके ऊपर छिड़कना चाहते हैं तो सिर्फ छिड़क लें या रोल कर लें, जितने आप लगाना चाहते हैं, और बस इसको आप फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार फ्राई बोटी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे कि कैसी बनी। अपनी दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।